देश के 5 राज्यों में आप चुनाव हैं और चुनाव से पहले किस तरीके के समीकरण वहाँ बने हुए हैं। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के तमाम विधायक, मंत्री और सांसदों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला साहब, जो कि एक हफ्ता इससे पहले भी जो है राजस्थान में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, एक बार फिर वो राजस्थान जाएंगे। और सर, आप राजस्थान होके आए, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ राजस्थान है, हरियाणा की क्या भूमिका देखते हैं राजस्थान? देखिए, हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है और सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, और हमको एक हफ्ते का प्रशिक्षण शिविर करने के बाद एक हफ्ते का जो है हमने कार्य किया था और हमारी पार्टी का जो है एक परफॉर्मा आ गया था सरल पोर्टल पे, और सरल पोर्टल के हिसाब से हमने काम किया था। CHC PHC के अंदर गए थे हम, वृद्ध आश्रम भी गए थे हम, और सब लोगों से ओपिनियन भी ली थी और सारे काम किए थे, और हमने जो है मंडल वाइज बैठकें भी की थी। और ज़िले के जो हमारा अध्यक्ष है वो शायद जरनैल सिंह है वहाँ पर, वो उनको भी रिपोर्ट दिखा कर सबमिट कर दी थी। और कितना हरियाणा की बात करें या फिर राजस्थान में, किस तरीके के अंतर आपको नज़र आए और क्या किन चीज़ों को लेकर आप BJP राजस्थान में चुनाव प्रचार में उतरी हैं? देखिए, मोदी जी के जो काम हैं वो गिनवाए गए थे, धारा 370 हटा दी तो 3 राम मंदिर बना रहे हैं, तो वो इसके तरीके से काम गिनवाए थे। और भ्रष्टाचार जो अशोक गहलोत ने किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ वहाँ पे बहुत बुलंद हो रही है, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का कोई नाम ही नहीं रहेगा। अब बात करें, ये तो राजस्थान राजनीति, अब जो BJP के हैं 9 वर्ष पूरे हो गए, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धियां रही? भाई, उपलब्धियों के नाम पे तो हमारे 2 साल तो कोरोना में चले गए, लेकिन हमने 2 साल के अंदर इतने काम कर दिए कि जो 5 साल में भी हम नहीं कर पाते। देखिए, माता शीतला का मंदिर बन रहा है, नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, गुड़गांव बाजार में पार्किंग बन रही है, इफ्को चौक पर फ्लाईओवर पूरा बना दिया, सोना में गुड़गांव एलिवेटेड रोड बना दी, वो इस तरीके काम कर रहे हैं। KMP हमने बना दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने वाला है, और हमने बॉम्बे हाईवे जो है वो भी बना दिया, दौसा तक बॉम्बे हाईवे बना दिया है। तो इस तरीके से काम किए हैं। फिर गुड़गांव कॉलेज के अंदर एक जो है हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल, वो भी बना दिया है, महावीर चौक के ऊपर महावीर अंडरपास बना दिया है, हुड्डा सिटी सेंटर के ऊपर जो है वहाँ पे भी जो है हमने फ्लाईओवर बना दिया है, इस तरीके काम किए हैं। तमाम जो विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम की बात करूँ तो अभी भी गंदगी के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ता सा नज़र आ रहा है, क्योंकि विश्व के मानचित्र पे गुरुग्राम ने अपनी पहचान बनाई है। कभी जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो कई बार जो है वो स्ट्राइक मोड पर चले जाते हैं और सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। देखिए, अभी भी जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर ही हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया है, उनके उन्होंने अपने आदमी लगा लिए हैं, और सफाई जो है ना, कल शहर के अंदर आप देखोगे तो शहर के अंदर 25-30% कूड़ा उठ गया है। और इस तरीके से काम करती रही नए वो, जैसे सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार में पूरा कंप्लीट जो है भरा हुआ था बाज़ार और बहुत गंदगी थी वो, ये बात ठीक है। जो स्ट्राइक हो गई थी, वो स्ट्राइक वाले आदमी गंदगी उठाने नहीं देते, और उठाने के बाद अगर कोई उठाता भी है, सफाई भी करता, तो उससे 4 गुना गंदगी फेंक जाते हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन 25% के करीब शहर साफ हो गया है, और मेरे ख्याल 2 या 3 दिन लगेंगे सारा शहर साफ हो जाएगा। तो ये थे मेरे साथ विधायक सुधीर सिंगला साहब, जिन्होंने राजस्थान के अंदर जाकर भी पार्टी का प्रचार किया है, तो वहीं पर सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए, तो उन्होंने जो गुरुग्राम की उपलब्धि है और प्रदेश की उपलब्धि है वो भी बताई है, और साथ ही साथ गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार जो कूड़े के ढेर हैं, आने वाले कुछ दिनों में वो जरूर हटा लिए जाएंगे, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बदल दिया गया, और आने वाले समय में गुरुग्राम एक बार फिर कहीं ना कहीं स्वच्छ गुरुग्राम की भांति हो जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।